अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, जो लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं या हाउस ड्राइवर हो या खदामा काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट आई है क्योंकि ज़वाज़ात की तरफ से ये वार्निंग दिया गया है उन लोगों को, उन कंपनियों को जो लोग भी इस तरह का काम करवाती है, यानी आप जिस काम के लिए गए हुए हैं वही काम करा सकती है कंपनी या कफील करा सकता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर देता हूँ, अगर कोई भी हाउस ड्राइवर काम करने के लिए जाता है ड्राइविंग करने के लिए, लेकिन उससे ज़बरदस्ती घर की सफाई भी कराता है, गाड़ी भी साफ करवाता है, तो आप लोग इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और इनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा और कंपनी के ऊपर या कफील के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर पूरा डिटेल्स बताया गया है। और आपको पता होगा जो भी सऊदी है वो हाउस ड्राइवर किसी मसरी सूडानी यमनी को नहीं लगता है। इससे पहले जवाजात की तरफ से अपडेट दिया गया था, वार्निंग दिया गया था, उसका कानून अलग था, लेकिन अभी जो नया कानून आया है इसमें थोड़ा सख्ती किया गया है, फाइन बढ़ाया गया है। और जो लोग भी अजनबी जानबूझकर ये गलती करते हैं, यानी जानबूझकर अपने कफील को छोड़कर किसी और के पास काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ाया गया है। और जो लोग भी आज़ाद वीजा पे काम करते हैं उन लोगों के लिए भी सख्ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप सऊदी अरब में रहकर मेरा वीडियो देख रहे हैं या कहीं पर से भी देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पर क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो जवाजात की तरफ से ये रूल्स बताया गया है, ये वार्निंग दिया गया है, अगर कोई भी कंपनी अपने वर्कर को किसी और जगह काम करवाती है, यानी जो काम के लिए लाया गया है वो काम छोड़कर किसी और काम में मुबतला करवा दिया है या ज़बरदस्ती वो काम करवाता है, तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया है 50,000 रियाल फाइन लगेगा। अगर वर्कर उसके ऊपर एक्शन लेता है और वो सही ठहरता है तो इनके ऊपर 50,000 रियाल का फाइन लगेगा। और जो वर्कर अपने कफील को छोड़कर कहीं और काम करते हैं तो उनके ऊपर भी सख्ती किया गया है, 6 महीना की जेल हो सकती है या आपको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, यानी देश से निकाला जा सकता है, आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। इससे पहले जो जवाजात की तरफ से अपडेट दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह का हरकत करती है, अपने वर्कर को जबरदस्ती कोई और काम करवाती है, उसके वीजा पे कुछ और लिखा हुआ है और वो काम कोई और ले रही है, तो उनके ऊपर अगर कंप्लेन करती है वर्कर तो उनके ऊपर 5,000 रियाल का फाइन है फर्स्ट बार में, उसके बाद दूसरी बार में 10,000 रियाल का फाइन है, अगर तीसरी बार कोई कंप्लेन करता है यानी वर्कर कंप्लेन करता है तो उनके ऊपर 20,000 रियाल का फाइन लग सकता है। लेकिन अब इस कानून को अपडेट करके डायरेक्ट 50,000 रियाल पे जाने दिया है, क्योंकि काफ़ी इस तरह का कंप्लेन आता रहता है, लेकिन जो अजनबी है काफ़ी डर जाते हैं, भाई हमें क्या लेना देना है, हमसे जो काम करवाया जा रहा है हमको करना है, नहीं तो एग्जिट भेज देगा या हमारे ऊपर हरूप लगा दिया जाएगा, तो ये चीज़ डरते हैं तो ही होता है। अगर आप इसके ऊपर एक बार एक्शन लेंगे तो सब के सब डर जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन लेना है तो सख्ती से लेना है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको घर भेज दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो कंपनी अपने नाम पे वीज़ा निकालती है और वर्कर को बुलाती है, बाद में उसे आज़ाद वीज़ा के नाम पर या फ्री वीज़ा के नाम पर छोड़ देती है, वो कहीं भी काम करता है और उसका आईडी पैसा लेकर लगाता है क्योंकि उसे कमाना है, और काफ़ी सऊदी इस तरह का बिजनेस किए हुए हैं, अपने नाम पे वीज़ा तो निकाल देते हैं, बाद में उसे बेच देते हैं 10,000-5,000 रियाल में, और वहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह का काम भी करते हैं और कमाते भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे ऐसे वर्कर के लिए भी मुश्किल है, ऐसे ऐसे कफीलों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आप फ्री वीज़ा के नाम पे सोचते हैं कि भाई हम तो फ्री वीज़ा लिए हैं या आज़ाद वीज़ा लिए हैं, तो आज़ाद वीज़ा सऊदी अरब में नहीं होता है, किसी न किसी कफील के नाम पे वो वीज़ा होता है और आप उसी पे काम करते हैं, फिर से आपको एक कमरा रिन्यूअल कराना होगा तो उनको पैसा पे करना होगा उस कफील को, और पैसा पे करने के लिए यानी आपको ज़्यादा पैसा देना होगा तभी वो रिन्यूअल करेगा, नहीं तो आपके ऊपर हरूप लगा देगा। तो कमाने के लिए काफ़ी सऊदी इस तरह का काम करते हैं, तो आज़ाद वीज़ा के चक्कर में न पड़े। अगर आप कहीं काम करते हैं अपने कफील को छोड़कर अपने मर्जी से या कफील की मर्जी से, तो फौरन अपना ट्रांसफ़र करा ले उस कफील के पास, उस कंपनी के पास कि मुझे यहीं पे रहना है और मुझे इसी कंपनी में काम करना है, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कफाला हो जाएगा, तो आपके लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी उनके साथ आती है जो लोग भी घरों में काम करते हैं, हाउस ड्राइवर हैं, वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ कोई ग्रुप नहीं होता है कंपनी में, जो लोग काम करते हैं उनके साथ तो एक ग्रुप होता है 10-20-100-50 लोगों का कि एक साथ में हड़ताल कर सकते हैं, एक साथ में इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो घरों में काम करते हैं
वो अकेला इंसान होता है और सबके सब सऊदी होते हैं, वो हमेशा डरा कर रखते हैं और वो अकेला कुछ नहीं करता, अगर कुछ बोलता भी है तो उनको दबा दिया जाता है, उनको मारा भी जाता है, यहाँ तक गाली भी दिया जाता है। तो ये लोग डर जाते हैं और डर के मारे कुछ नहीं कर पाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कानून बनाया गया है, इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेबर कोर्ट में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि हाँ हमें इस तरह का काम कराया जा रहा है और हमारे पास सबूत है। और आपको पता होगा जो भी सऊदी है वो हाउस ड्राइवर किसी मसरी सूडानी यमनी को नहीं रखता है, क्योंकि उसे पता है ये अपने हक के बारे में जानता है और ये फौरन कंप्लेन कर सकता है लेबर कोर्ट में, जवजात में। तो ये डरता है और इसी के वजह से ये लोग किसी भी अरबी को हाउस ड्राइवर नहीं रखता है, सिर्फ बंगाली हिंदी को रखता है और थोड़ा बहुत पाकिस्तानी को रखता है, क्योंकि पाकिस्तानी भी डायरेक्ट लड़ाई कर लेता है, लफड़ा कर लेता है, क्योंकि वो लोग जल्दी किसी का बर्दाश्त नहीं करता है। अगर अगर पठान होगा तो किसी का बर्दाश्त नहीं करेगा, जो भी कुछ बोलेगा उसका रिप्लाई फौरन जाएगा। तो ये लोग जानबूझकर इंडियन को रखते हैं, बंगाली को रखते हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है गल्फ कंट्री में। तो जवाजात की तरफ से यह अपडेट दिया गया था, मैं सोचा हूँ आपके साथ शेयर कर दिया जाए। जो भी घरों में काम करते हैं या जो लोग भी कंपनियों में काम करते हैं, सबके लिए अपडेट है, कोई भी इनके ऊपर एक्शन ले सकता है अगर आप हक पे है तो।